हेलो फ्रेंड्स, मैं राकेश कुमावत स्वागत करता हूं आपका आपके सबसे पसंदीदा और लोकप्रिय एजुकेशन चैनल आरके बायोलॉजी क्लासेज सीकर में। तो फ्रेंड्स, आज अपन अपने डेली के कार्य को आगे बढ़ाते हुए 10 सितंबर 2019 के करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अपना फर्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राजस्थान के नए राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ली है? ऑप्शन देखिए, कलराज मिश्र, कल्याण सिंह, केसरीनाथ त्रिपाठी और आनंदीबेन पटेल। तो यह शपथ ली है फ्रेंड्स कलराज मिश्र ने, ए ऑप्शन अपना सही है। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में राजस्थान की चर्चा की गई है, अब राजस्थान से संबंधित और क्या क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जा सकते हैं उनके ऊपर भी अपन चर्चा करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, राजस्थान से संबंधित क्या पूछ सकते हैं, तो कलराज मिश्रा पूर्व राज्यपाल कलराज सिंह की जगह लेंगे, मुख्यमंत्री राजस्थान के अशोक गहलोत हैं और राजस्थान की राजकीय भाषा हिंदी है, राजस्थान की राजधानी जयपुर है, राज्य की स्थापना 30 मार्च 1949 को हुई थी और क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा राज्य है, जहां लोकसभा की 25 सीट और राज्यसभा की 10 सीटें हैं। तो ये भी राजस्थान से क्वेश्चन पूछने की संभावना रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन द्वारा किस देश को बर्ड फ्लू मुक्त घोषित किया गया है? भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान और नेपाल। तो इसमें भारत को अपन मानते हैं कि बर्ड फ्लू मुक्त घोषित किया गया है। अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड और जो फैक्ट्स होते हैं वो देखिए, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ की स्थापना 25 जनवरी 1924 के अंदर हुई थी। तो ये क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्थापना कब हुई थी, तो ये स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1924। मुख्यालय कहाँ है इसका, पेरिस फ्रांस में है और 182 देश इसके सदस्य भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के भाषणों पर आधारित पुस्तक लोकतंत्र के स्वर का दूसरा संस्करण का विमोचन किसने किया? एम वेंकैया नायडू, रामनाथ कोविंद, हामिद अंसारी या इनमें से कोई नहीं। तो यह कार्य किया था फ्रेंड्स एम वेंकैया नायडू, ए ऑप्शन इसका सही है। अब इसी क्वेश्चन पर आधारित अन्य फैक्ट्स की बात करते हैं, तो विज्ञान भवन में हुए समारोह में हिंदी लोकतंत्र के स्वर नामक पुस्तक, जो कि राष्ट्रपति के चयनित भाषणों का संकलन है, से उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने क्या किया, विमोचन किया है। और एम वेंकैया नायडू भारत के क्या हैं, 13वें उपराष्ट्रपति है और व्यक्ति तथा 15वें कार्यकाल के अनुसार भी माने गए, कार्यकाल के आधार पर 15वें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने बहामास को आपदा राहत के लिए कितने डॉलर आर्थिक मदद देने की घोषणा की है? 20 लाख US डॉलर, 25 लाख US डॉलर, 10 लाख US डॉलर या इनमें से कोई नहीं। तो इन्होंने घोषणा की है फ्रेंड्स सी, यानी 10 लाख US डॉलर की घोषणा की है। अब इससे संबंधित और क्या पूछ सकते हैं, बहामास में डोरियन चक्रवात आया, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चक्रवात का नाम पूछ सकते हैं। बहामास की राजधानी क्या है, नसाउ है, ये कैरिबियन द्वीप समूह में स्थित है और मुद्रा बहिमियन डॉलर तथा ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एडीबी ने भारत के किस राज्य में ग्रामीण कनेक्टिविटी बेहतर करने के लिए 200 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? महाराष्ट्र, तमिलनाडु और दिल्ली। तो इनमें से बात करें तो अपन सही ऑप्शन अपना महाराष्ट्र, ए ऑप्शन सही है। अब इससे संबंधित इफेक्ट्स देखिए, एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना 19 दिसंबर 1966 में हुई थी, मुख्यालय मनीला फिलीपींस में है, 68 देश के सदस्य हैं, प्रेसिडेंट ताके हिको नकाओ है इसके, फिलीपींस की राजधानी पूछे तो मनीला और मुद्रा इसकी क्या है, पीसो है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजिटर्स अवार्ड 2019 मानविकी कला और सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में किसे प्रदान किया जाएगा? प्रोफेसर शिवनाथ देव, प्रोफेसर संजय पुरी, प्रोफेसर असदुल्ला खान या इनमें से कोई नहीं। तो यह प्रदान किया जाएगा प्रोफेसर शिवनाथ देव को, ये ऑप्शन सही है। अब इससे रिलेटेड देखिए, इन्हें यह पुरस्कार छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य और एचआईवी एड्स के क्षेत्र में अनुसंधान के लिए दिया जाएगा। फिर केंद्रीय विश्वविद्यालय में स्वस्थ प्रतियोगिता और उन्हें पूरे विश्व की श्रेष्ठ प्रक्रियाओं को अपनाने के लिए प्रेरित करने के लिए यह अवार्ड दिया गया। और चयन समिति के अध्यक्ष कौन है, यहाँ पर संजय कोठारी है। अगला क्वेश्चन, रक्षा प्रदर्शनी हेतु डिफेंस एक्सपो 2020 का कहाँ आयोजित किया जाएगा?
दिल्ली, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर या इनमें से कोई नहीं। तो ये आयोजन होगा फ्रेंड्स यूपी, उत्तर प्रदेश में। अब इससे संबंधित क्वेश्चन, डिफेंस एक्सपो 2020 का आयोजन लखनऊ में किया जाएगा, कब होगा? 5 से 8 फरवरी के बीच में यह आयोजन होगा। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ है। लखनऊ गोमती नदी के किनारे पर बसा है। राज्यपाल यहाँ के आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सबसे कम उम्र में तेनाली परीक्षा पास करने वाला पहला भारतीय कौन बना है? प्रियव्रत, मास्टर सोहन और देवव्रत आचार्य। तो यह कौन है? प्रियव्रत, ये ऑप्शन सही है। अब इससे संबंधित देखिए, प्रियव्रत ने सबसे कम उम्र में तेनाली परीक्षा पास की है। परीक्षा वर्ष में 2 बार आयोजित होती है और परीक्षा में 14 चरण होते हैं। कांचीमठ में लिखित और मौखिक परीक्षा संपन्न होती है। राजधानी यहाँ की चेन्नई है और लोकसभा में 39, राज्यसभा में 18 सीट है और मुख्यमंत्री के पलानी स्वामी हैं, राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित है और यहाँ का नृत्य कौन सा है? भरतनाट्यम में नृत्य प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नरेंद्र मोदी किसान मानधन योजना की शुरुआत कहाँ करेंगे? उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़ या इनमें से कोई नहीं। तो वह करेंगे यह कार्य झारखंड में, यानी कि बी ऑप्शन अपना सही है। अब इससे रिलेटेड देखिए, रांची में किसान मानधन योजना का शुभारंभ 12 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। 60 वर्ष की आयु के 5 करोड़ सीमांत किसानों को न्यूनतम 3,000 प्रतिमाह पेंशन उपलब्ध कराई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नरेंद्र मोदी द्वारा एकलव्य मॉडल आधारित विद्यालयों का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा? चेन्नई, भुवनेश्वर या रांची? तो यह किया जाएगा रांची, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब इससे रिलेटेड देखिए, रांची में आदिवासी बहुल क्षेत्रों अनुसूचित जनजाति के छात्रों को उच्च प्राथमिक, माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक स्तर की शिक्षा प्रदान करने के लिए 40 मॉडल आधारित एकलव्य विश्वविद्यालयों का उद्घाटन किया जाएगा। अब झारखंड की राजधानी पूछे तो रांची है और झारखंड की स्थापना 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग होकर हुई थी और मुख्यमंत्री रघुवर दास और राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू है। नेक्स्ट, हाल ही में राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम कहाँ लॉन्च किया गया? मथुरा, नई दिल्ली, मुंबई या इनमें से कोई नहीं। तो यह किया गया था फ्रेंड्स, ए ऑप्शन मथुरा सही है। अब इससे रिलेटेड और क्या पूछ सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 11 सितंबर मथुरा में राष्ट्रीय पशु रोग कार्यक्रम लॉन्च किया गया। 2024 तक 500 मिलियन पशुधन टीकाकरण का लक्ष्य है। प्रधानमंत्री यहाँ राष्ट्रीय कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम भी लॉन्च करेंगे और ब्रुसोलिस तथा खुरपका तथा मुंहपका नामक बीमारियों पर नियंत्रण करने का लक्ष्य रखा गया है। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के अपने करंट अफेयर क्वेश्चन। क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट्स में ज़रूर बताइए और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि जैसे ही मैं नया वीडियो अपलोड करूँ तुरंत आपके पास उसकी नोटिफिकेशन पहुँच सके। ये क्वेश्चन आप डेली देखिए फ्रेंड्स और फ़ायदे के लिए वीडियो को पूरा देखिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक्स।